सो इस वक्त ही वड्डी खबर सामने आ रही है, थोड़े नाल सांझी करन जा रहे हैं। तो बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। तो वड्डी खबर है इस वेले की, बीजेपी ने 72 उम्मीदवारों की लिस्ट है जारी की है। तो हमीरपुर तो अनुराग ठाकुर का नाम सामने आया, अनुराग ठाकुर हमीरपुर तो चोन लड़नगे। तो शिमला तो सुरेश कुमार कश्यप का नाम ऐलाना गया। तो बीजेपी ने हुण तक 72 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। तो वड्डी खबर इस वेले की, बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूजी लिस्ट जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश में दो नाम जोड़े कि सांचे किए ने, लिस्ट जारी की है बीजेपी ने। हमीरपुर तो अनुराग सिंह ठाकुर चोन लड़नगे, तो शिमला तो सुरेश कुमार कश्यप। तो बीजेपी के वालों दूजी लिस्ट जारी की गई है हिमाचल प्रदेश में। तो वड्डी खबर इस वेले की, दूसरी लिस्ट जारी कर दी है बीजेपी ने। हुण तक 72 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है बीजेपी ने। तो इस लिस्ट के विच हमीरपुर तो अनुराग सिंह ठाकुर, शिमला तो सुरेश कुमार कश्यप का नाम ऐलाना गया है। सो हमीरपुर तो अनुराग सिंह ठाकुर चोन लड़नगे, तो शिमला तो सुरेश कुमार कश्यप। सो बीजेपी ने 72 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। हमीरपुर तो अनुराग सिंह ठाकुर, शिमला तो सुरेश कुमार कश्यप का नाम ऐलाना गया। सो हुण तक 72 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। तो दूजी लिस्ट जारी कर दी है हिमाचल प्रदेश के बीजेपी ने। हुण तक 72 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। सो इसी खबर से साडा कामेश्वर शर्मा हिमाचल तो लाइव जुड़ चुके हैं। सो कामेश्वर, यह जो लिस्ट जारी की है बीजेपी की तरफ से, दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। सो ये नाम ऐलान दिए गए हैं कि जो हमीरपुर से अनुराग ठाकुर चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद जो शिमला से सुरेश कुमार कश्यप। उचित तरीके से अगर देखा जाए, जो दो सीटें तय कर दी गई, वहां से अगर देखा जाए हमीरपुर से जो चौथी बार जगह लड़ रहा अनुराग ठाकुर जीते हैं, उन्हें टिकट फाइनल किया गया। वही अगर हम बात करें शिमला संसदीय क्षेत्र की, तो वहां से जो सुरेश कश्यप को टिकट दी गई है, वो पहले भी वर्तमान भारी बहुमत से जीते थे। ऐसे में जो पार्टी ने उनके ऊपर आस्था व्यक्त करते हुए उन्हें टिकट दी गई है। वही अगर देखा जाए जो कांगड़ा से जो दाव लगाया जा रहा है, वो राजीव कुमार पर दाव खेल सकती है भाजपा। और वही अगर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र, अगर मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें, तो वहां पर जिस तरीके से जयराम ठाकुर, इसके अतिरिक्त कंगना रनौत समेत अनेक लोगों का भी चर्चा चल रही है। लेकिन जो अगर देखा जाए जो शिमला से संसदीय क्षेत्र से जो सुरेश कश्यप को टिकट दी गई, वहीं अगर देखा जाए जो हमीरपुर विधानसभा, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो वहां से अनुराग ठाकुर को दी गई, क्योंकि वो चार बार वहां से लगातार जीते। ऐसे में अगर हम चारों आंकड़े देखते हैं, तो भारी बहुमत से वह विजय प्राप्त की है। वहीं देखा जाए तो 2014 और 2019 में भी जो भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की थी लोकसभा चुनाव में, अगर बाई इलेक्शन की बात करें, तो मंडी संसदीय सीट को हार लिए थे, जिसमें से जो सांसद प्रतिभा सिंह जीत के आई थी। लेकिन अब जो भाजपा ने जो सोच समझ के उम्मीदवार उतारे हैं, ऐसे में जो तैयारी है वो जोरों शोरों से हो चुकी है। और फिलहाल जो मंडी संसदीय सीट है, उस पर अभी विचार विमर्श किया जा रहा है। उस पर जिस तरीके से कंगना रनौत की बात करें हम, जयराम ठाकुर जो की मुख्यमंत्री और अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष जी, तो और भी इसमें नाम सामने आ सकते हैं। जैसे कि बीजेपी ने अभी तक 72 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, अभी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। सो और कौन कौन से नाम है जो बड़े चेहरे हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं और भी आगे में? इस पे विचार विमर्श किया जा रहा है, खासकर जो राजीव को टिकट देने की उम्मीद है। लेकिन जो दो सीटें हैं, जिस तरीके से हमने पहले कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र से सुरेश कश्यप, और अगर हम बात करते हैं सुरेश कश्यप के साथ साथ अगर देखा जाए जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र है, वहां से अनुराग ठाकुर को दिया गया है, क्योंकि वो चार मरतबा वहां से जीते हैं। और अभी भी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि अनुराग ठाकुर वहां से भारी बहुमत से विजय होंगे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कामेश्वर तमाम जानकारी के लिए। सो हिमाचल प्रदेश के विच जिहड़ी कि बीजेपी के वालों दूजी लिस्ट जारी कर दी गई है। सो दूसरी लिस्ट के विच जो कि नाम आए ने, अनुराग ठाकुर तो हमीरपुर तो चोन लड़न के, 72 उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी गई है। शिमला तो सुरेश कुमार कश्यप ने
उनका नाम ऐलान किया है। तो होर भी कई नाम ने जोड़े के सामने आ सकते हैं, कंगना रनौत का नाम इस सामने आ सकता है, जो होर जो उम्मीदवार ऐलानेगी बीजेपी। पर हुण जिहड़ी कि यह दूसरी लिस्ट जारी की गई है बीजेपी के वलों, उत्थे हमीरपुर तो अनुराग सिंह ठाकुर, शिमला तो सुरेश कुमार कश्यप का नाम ऐलान किया। वड्डी खबर इस वेले दी, ये दो नाम ने जुड़े के ऐलाने गए ने, दूसरी लिस्ट बीजेपी के वलों जारी की गई है। शिमला तो सुरेश कुमार कश्यप, हमीरपुर तो अनुराग सिंह ठाकुर का नाम ऐलान किया। बीजेपी के वलों उम्मीदवार की दूजी लिस्ट जारी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के इस बार जिहड़ी कि पूरी तैयारी की गई है हर पार्टी के वलों। कुछ दिन पहला जिहड़ी कि हिमाचल के विच सियासी हलचल मची हुई थी, पर जिहड़ी कि सुक्खू सरकार है वह गिरदे गिरदे बच गई। बहुमत उन्हां दे वल सी जिसके करके, पर हुण लोक सभा चोणां दे विच जिहड़ा कि पूरी जोरों शोरों के नाल हर पार्टी ने जिहड़ी कि तैयारी की हुई। तो खबर अज फिलहाल इन्ना ही, और खबर तुसीं जुड़े रहो इंडिया न्यूज़ पंजाब दे नाल।